नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले आपको बिजली कटौती को लेकर ही यहाँ पर खबर जो है वो दिखाएंगे, क्योंकि ज्यादा तौर पर आप देखिए जम्मू और कश्मीर में दोनों संभागों में बिजली अघोषित कटौती की वजह से लोग काफी परेशान हैं, और ज्यादा लंबा कट होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। और अभी अभी की लेटेस्ट अपडेट आपको ये बताते चले कि जम्मू के अंदर, यहाँ जम्मू अलग अलग जिलों की अगर बात करें तो वहां पर रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के भी कट दिए गए हैं। तो जाहिर तौर पर सवालिया निशान जरूर उठ रहा है कि आखिर बिजली विभाग की तरफ से ये क्यों यहां पर किया जा रहा है, क्या कुछ परेशानी आ रही है, फीडर्स किस तरह से कम है, रिसीविंग स्टेशन किस तरह से यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको जिला सोपोर लिए चलेंगे, और सोपोर से आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सिविल सोसाइटी की तरफ से आज धरना प्रदर्शन किया गया बिजली की अघोषित कटौती को लेकर। JK247 में आपका खैर मकदम है, और मैं नदीम। और इस वक्त अगर हम बात करें आज सिविल सोसाइटी सोपोर की जानिब से जो है यहाँ पे अगर हम देखें बिजली की आंख बिचोली जो देखने को मिल रही है, उसी के चलते जो है आज यहाँ पे जो है पीसफुल प्रोटेस्ट किया गया। लोगों की डिमांड है, अगर हम देखें लगातार जो है बिजली की आंख बिचोली से जो है वो परेशान देखने को मिल रहे हैं। अगर हम खासकर शहरी की टाइम की बात करें या अगर हम इफ्तियारी टाइम की बात करें तो लगातार जो है बिजली जो है वो गुल है। अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें, लोग सफर कर रहे हैं, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट की बात करें। मेरे साथ बात करने के चेयरमैन सिविल सोसाइटी, इनसे बात करते हैं कि आज अगर जो हम देखें बिजली बोरान देखने को मिल रहा है, तो उस हवाले से जो आज उन्होंने यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट किया उसी हवाले से बात करेंगे। जो बिजली की लोड शेडिंग कश्मीर में वादी में डिस्ट्रिक्ट में पिछले एक महीने से चल रही है, ये इस तारीख की बदतरीन एर अंदोनाक लोड शेडिंग है। हमने 60 साल के दौरान ये किसी न किसी तरह से माह मुबारक के एहतराम में माह मुबारक की ज़रूरत और अहमियत को मद्दनज़र रखते हुए बिजली का पूरा बहाल रहती थी, बिजली इसकी तरसील मुमकिन रहती थी, लेकिन इस मौजूदा सरकार ने इन सारी माह मुबारक के एहतराम अजमत बुलंदी इनको भी नज़रअंदाज करके इबादत में खलल हुई, मस्जिदों में इंतशार पैदा हुआ कि बिजली कभी नहीं रही, 1-2 घंटे दिन में 24 घंटों में रही। इसके खिलाफ सिविल सोसाइटी सोपोर ने आज ये पुरअमन एहतजाज दर्ज कराया है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और दूसरे अरबाब इकतदार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप आवाम को सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना करें, बल्कि अब 2 दिन रह गए हैं, ईद तक 3 दिन है, हमारे कुछ तबके इसमें बहुत ज़्यादा मुलव्वस हैं जिनको बिजली की ज़रूरत है। आज शब कदर है, शब के दौरान भी बिजली की तरसील बिल्कुल नागुजीर बनती है, तो इसलिए हम अरबाबी इकदार से पुरजोर गुजारिश करना चाहते हैं कि वो आज की रात और आज से लेकर ईद तक बिजली की जो तरसील है पूरी तरह बहाल रखे, इसमें कोई खलल न हो, कोई इंतशार न हो, कोई लोड शेडिंग न हो, ताकि आवाम ये ईद की जो मसरतें हैं इनको अपने दामन में ठीक तरह से समेट सके, और तजारत जो यहाँ बहुत सारे तबके इस पर डिपेंड है वो भी खसारे और नुकसानात का उनका अजाला हो जाए। ये बिजली इसलिए बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी है उनके लिए भी। जावेद साहब से बात करना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम इंडस्ट्री के हवाले से बात करें जो काफ़ी सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई है, जावेद साहब से मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, पहले तो हम आज शुक्रगुजार हैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के, जिसने कि कल दिल्ली जाके हमारे लिए जो 207 मेगावाट को पावर का मुतरब इंतजाम किया, उसके लिए गवर्नमेंट का हम शुक्रगुजार है। लेकिन साथ ही साथ हमें लगना चाहिए कि अगर मौजूदा हुकूमत हम पर ये बावा करती है कि कश्मीर के लोग हमें अपने लोग हैं, क्या ये हिंदुस्तान के लिए बड़ी बात है कि हमारे लिए जितना भी अब बाकी डेफिसिट पावर जो हमारे पास है, हमारे पास इस वक्त जो पावर है वो 709 मेगावाट जो हमें लगता है, और अगर 200 मेगावाट और हो गए 900 मेगावाट, लेकिन हमारे कश्मीर में जो पावर की असली रिक्वायरमेंट है वो है 1400 से 1800 मेगावाट की। मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, इनके लिए जो इन्होंने करीबन 900 मेगावाट इन्होंने हमारे लिए खरीदे हैं, और अगर ये अब चाहेंगे कि 500 या 600 मेगावाट और खरीदे हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छी बात होगी। और जो मेरा ये इंडस्ट्री सेक्टर का बेसिक रॉ मीटर, हम पहले कंज्यूमर होते हैं, फिर हम इंडस्ट्रियल होते हैं, हमारा रोजगार इस पर चलता है, हमारा रॉ मटेरियल बेसिक रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्रीज का होता है जिसको हम शाहरग बोलते हैं, ये पावर होता है। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट होगी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर है और हमारे जो इंडस्ट्रीज के कमिश्नर है रंजन ठाकुर जी, उससे मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि आप कोशिश कीजिए, एक तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारे आवाम को पावर मिलना चाहिए, और
और फिर दूसरी पीआरडी पे हमारी जो इंडस्ट्रीज है, जिस जो इंडस्ट्रीज आज हकीकत लोग हर हमेशा गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे पास नौकरी नहीं है, अगर नौकरी कहीं है तो वो या तिजारत पेश के पास है या मेरी इंडस्ट्री के पास है। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट होगी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, मेहरबानी करके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, इंडस्ट्री सेक्टर को जितना भी पावर की जरूरत है वैली में, मेहरबानी करके उनको दीजिए, क्योंकि ये ना हो। और अगर आप फेल हो गए, मैं ये आवाज पूछना चाहता हूं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से, अगर हम फेल हो गए ये आम लोगों को बिजली देने के लिए, तो बिजली की जो बिल होगी लोग वो बिल उनकी भरपाई नहीं करेंगे और लोगों के पास कुछ होगा ही नहीं। लिहाजा हमारा एक ही जो आज सिविल सोसाइटी सोपोर ने जो आज एक प्रोग्राम किया था, जिसमें इन्होंने सब तंजीमों को दावत दे दी थी, हमारी इंडस्ट्रीज को दावत दे दी थी, हमारी ये आवाज होगी एक ही इनके साथ मिलके, अगर पावर नहीं तो बिजली बिल नहीं, बिजली बिल कोई नहीं देगा। किस तरह से जो है लोग सफर कर रहे हैं बिजली के हवाले से जो बात की जा रही है, कल ही एक ऑर्डर सामने आया कि एलजी गवर्नर की जानिब से जो ऑर्डर सामने आया कि 207 मेगावाट बिजली जो है वो फराहम की जाएगी। अब आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि क्या 207 मेगावाट बिजली आने के बाद जो है क्या ये बिजली बहरान जो है ये खत्म होगा, ये आने वाले वक्त में ही देखना होगा। चलिए अब आपको लिए चलते हैं यहाँ पर खूबसूरत गुलमर्ग की ओर, क्योंकि खूबसूरती इसकी देखते ही बनती है। लेकिन मेडिकल कैंप का आयोजन यहाँ पर किया गया था, किस तरह से पूरा कार्यक्रम रहा आदिल रिपोर्ट कर रहे हैं, देख। एक्शन प्रोग्राम के तहत आज 176 बटालियन की तरफ से टंगमर्ग में एक फ्री मेडिकल कैंप चलाया गया। इसमें काफ़ी तादाद में यहाँ के जो आसपास रहने वाले लोग इसमें शिरकत की, तो लगातार हम देख रहे हैं 176 बटालियन की तरफ से मजीद ही कोशिश की जा रही है। वही अगर हम सपोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे या भारत दर्शन टूर के हवाले से बात करें, वही यहाँ पर सेहत का ख्याल रखते हुए यहाँ पर आज एक प्रोग्राम चलाया गया। इसमें काफ़ी तादाद की यहाँ पर जो आम लोग हैं उन्होंने इसमें शिरकत की, तो जब हमारे यहाँ पर आम लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि इस तरह के प्रोग्राम जो है मजीद होने चाहिए, ताकि जो फार फ्लंग एरिया में रहने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं जो है फ़ायदा मिल सके। तो फिलहाल आपको सीधे टंगमर ले चलते और दिखाते हैं किस तरह का मेडिकल कैंप यहाँ पर 176 बटालियन की तरफ से किया गया था। तो ये बहुत एक अच्छा काम है जो ये कैंप इधर सीआरपीएफ ने लगाया है लोगों के लिए। हमारा ये टंगमर्ग इलाका जो है फ्लंग एरिया है, तो ये बहुत अच्छा काम है, अच्छा कदम है जे के लोगों को समझदार के लिए बनाया गया है। तो मेरी ये गुजारिश है इनसे कि हमारे जो पिछड़े हुए गांव हैं, बाहर काम जाते हैं गुजर लोग, तो उनमें भी ऐसे कैंप होने चाहिए, तो इनसे बहुत लोगों का फ़ायदा भी हो सकता है, होता भी है। तो इसके लिए बहुत धन्यवाद। आज तनमर्ग में हमने एक मास्ट मेडिकल कैंप किया है। ये हम लोग का ऐसा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसके अंदर 25 विलेजेस आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ आई हुई है और सभी को हम मेडिसिन मुहैया करवा रहे हैं और साथ साथ में इनको मेडिकल कंसल्टेंसी भी दी जा रही है। यहाँ पर सीआरपीएफ के तरफ से जो यहाँ के यूथ हैं उनके लिए यही एक संदेशा है कि प्लीज़ इस फील्ड में ना जाए, गलत दिशा में ना जाए और पढ़ाई करें और अपने देश के लिए कुछ आगे अच्छा काम करने का सोचिए। और एक हम और काम कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए स्कूल्स में हम लोग स्पोर्ट्स के आइटम्स, बुक्स, बैग्स ये सब डिस्ट्रीब्यूट करने का सारा हमारे प्लान में है। इनफैक्ट हम यहाँ से एक भारत दर्शन के लिए टीम भी भेज रहे हैं जो जाएगी और बाहर देख के आएगी कि दुनिया और कैसी है। जायज़ तम तंगरस मज बाई चीज सारे मन ये हमेशा बहन रेतन लंगर वो आज से ज्यादा पाना क्या ये शबस मन काफ़ी तदादस मन लूख यूत तो आज से रनान ज्यादा पहन बा बंदोबस इन सहार खतर इफ्तार खतर बत वगैरह यह बिल्कुल जाहिर हजरत योर इन अंद खत थोमुत बंदोबस सहार खतर इफ्तार खतर तो बाकी प्रॉब्लम गई कि इंशाल्लाह वो यूत योद कि सारे गुजारिश कर अदब सहतराम सोन तो बाकी प्रथ कीज थोमुत इंद खतर अवेलेबल। डायरेक्शंस ऑफ हायर अथॉरिटीज़ हमने आज ये ज़ियारत का विज़िट किया ताकि हमें आज हमें मालूम है कि आज बहुत सारे ज़ाहिरीन आ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि आज शब कदर है और जुमतुल विदा के मौके पर हमने इंतज़ाम का जायज़ा लिया, तो हम सेट्स पर रहे क्योंकि वक़्फ़ की तरफ से अच्छा खासा इंतज़ाम है, चाहे शहरी के लिए हो या इफ्तारी के लिए हो, तो वो अच्छा इंतज़ाम उन्होंने किया है। साथ में हमने मार्केट का भी मुआयना किया, तो मार्केट चेकिंग में भी हमने देखा कि कई मतलब शॉपकीपर जो है वो ज़्यादा दामों पे मत बेच रहे हैं ये चीज़ें। खैर इनसे यही गुजारिश है कि वो आज आ जाएं और शब कदर के मौके पर उनके लिए अच्छे खासे इंतज़ाम आते हैं यहाँ पे, और वो अगर कोई यहाँ पे ख़रीद फरोख्त भी करना चाहेगा तो उसमें भी हमने डायरेक्शंस दी है जितने भी शॉपकीपर्स हैं उनको, अगर वो ज़्यादा कोई भी उनको लगे कि कोई ज़्यादा दामों पर यहाँ पर चीज़ें बेच रहा है तो हमारे पास वो कंप्लेंट करें, हम अकॉर्डिंगली उनके खिलाफ़ एक्शन करेंगे।
चलिए अब आपको बड़गाम लिए चलते हैं, जहां पर पानी की स्कीम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए लेकिन लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पाया है। क्या कुछ है ग्राउंड पर हालात, जहूर रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। ज़िला बड़गाम में आए रोज़ शिकायतें मौसूल हो रही है। जल शक्ति जो पीएचई डिपार्टमेंट है, पानी की किल्लत यहाँ पर बदस्तूर जारी है। और अगर हम स्कीमें देखें, बहुत सी स्कीमें हैं जो बिल्कुल लैप्स हो चुकी हैं, जिसमें जालापुरा एक वाटर स्कीम है जिसमें करोड़ों का खर्चा हुआ लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, जहाँ पर कि पाइपें हमने सड़क पर ऐसे ही पड़ी हुई देखी। तो लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर जो मुलाजमीन भी हैं, यहाँ पर जो वाटर वर्क्स में जो काम कर रहे हैं, लेकिन पानी हमें नहीं मिल रहा है और बदस्तूर वो मुलाजिम काम पर भी नहीं आते हैं। इस हवाले से हमने बात की बड़गाम एक्जन से और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी, जिनका यही कहना है कि इस पर हम फौरन जो है कार्रवाई करेंगे। बात है गवर्नमेंट जो गुद मगर घर वाले दिखाई पोस डोड पाइप आए यह त्रोक मैगडम दूम पे घर अख्त प्रन कनेक्शन गो खत्म अच्छा दिख पाइप अगर इन लोज कह तुम दिख पंद शन पाइप पाइप कनक आब ने वन लोन त्रोक ये तथा जो ढाई करोड़ रुपये तरह लग रुपये लच दह वु आब खो अख गंट खाल आब बन से बनमें टी तथ वन प्रन सो गुत तथा आब गुत अख रोजान यदि सूच दिवान हर वा टी मचुन क्या आब मकलान आज गई वरी डोड वरी खलको ती नी ये जरूरत आस तम ताज बाकी यम कुछ बने तम ती लाज आज झन कन सकीम कर पे हिसाब लगे रुपये लच ओर दह अत रुपये जो ढाई करोड़ अत लागन दह पंद लच तम लग बाकी खेक ना पानस इथे पाठ आंगन मज पाइप खान मज पाइप नाल मज पाइप यमो यो तुन गुजर पाइप वाटर वर्कस वालों सख मुलाजमी बन कम ड्यूटी आसान चुन कहीं तथा कर नफर अक्स रुपये जस रेत सुबह अख घंट आब खाल खे बाकी त्रोव घंट आब ग वापस बे अक घंट खालान जो खाल जालापुर हर टी मन खालान जनाब कहीं लोकट लीटर आज पांच दह वनस तथ दह वु लच रुपये बल्क बनमु ब्या हौस ना लोकट इत पे लैटरिन बना लोकट हौस पुत अखा लीटर साज खंड सूच दिवान सूच मकला हेर बस तथ थोम नफर अब्दुल हमीद तुम ना रुपये तुम जस बिचार तनखा सत मुलिम थी रुपये जो जो त्रे तुम बस सूच रोजान रात तथि बस मुलिम बन कहीं कहें ना आब अवान कल वन बे नम आब मज डर नेरान बाकी चीज नेरान शाटि नेरान वन मान अच्छे बनान पलो वन ट्राउजर नेरान जिना थोप पसना खाला कर कर। देखिए ये जो वाटर सप्लाई स्कीम जवालापुरा है ये नबार्ड में है लेकिन ऑन गोइंग है, अभी ये कम्प्लीट नहीं हुई। इसमें जो हमारे पास पैसा आया था वो यूटिलाइज हुआ है। इसमें एसआर जिसको उर्फ आम में टैंकी बोला जाता है, वाटर टैंकी या सर्विस रिजर्वायर, वो बन चुका है। वो अभी कमीशन नहीं हुआ, वो अभी चार्ज नहीं हुआ। जो पाइपलाइन है वो कंप्लीट होने वाली है। एक पाइपलाइन में हमें एक लैंड इशू था जो कि इसी हफ्ते हमने सॉल्व किया है, तो कम से कम उसमें 15 दिन लगेंगे तो वो लाइन हम चार्ज करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो हमारी सप्लाई लाइन उसमें जानी है लोगों को पानी पहुंचाने के लिए, वो भी उसमें 2 महीने लगेंगे। उसमें हमें फाइनल टेंडर एक करना है जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन की पाइप है उसका बिछाना और एक स्लूस चैम्बर जो एसआर के साथ बनना है और एसआर को कनेक्ट करने के लिए हमें एक टेंडर निकालना है। वो अभी हम इंशाल्लाह इन्हीं 10-15 दिनों में निकालेंगे और 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में स्कीम हम चालू करेंगे इंशाल्लाह। जैसे मैंने कहा कि उस पाइप में लैंड इशू एक था जो रिजॉल्व होने वाला है इंशाल्लाह, लेकिन ये कहना सही नहीं है कि पैसे निकाले गए और काम नहीं हुआ। असल में नबार्ड की जो स्कीम होती है वो 3 साल के लिए चलती है। इसमें नबार्ड की फंडिंग 30% एक साल में, दूसरे साल में 30% और एंड के साल में 40% आता है। तो जितना पैसा आता है उतना ही काम हो सकता है और ठेकेदार लोग उतना ही काम करने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि स्कीम को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। तो ऐसा बहुत सारी नबार्ड स्कीमों में होता है कि 3 साल का जस्टेशन पीरियड होता है, 3 साल में ये कम्प्लीट करनी होती है। तो लोगों को शायद ये लगता है सही है उनका नजरिया कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ये हमारी टारगेटेड स्कीम है। इस साल ये कंप्लीट करनी है, इस साल कमीशन हो जाएगी और तकरीबन 5-6 हजार नफूस इससे फायदेमंद हो जाएंगे। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से जहूर हुसैन। चलिए अब आपको लिए चलेंगे श्रीनगर, और श्रीनगर से आपको दिखा देते हैं कि पुरानी संपत्ति किस तरह से यहाँ पर नष्ट होती जा रही है। पेपर मार्च को लेकर ये बात हो रही है, क्या कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर फैजल, वो देखिए।
कश्मीर में सदियों साला सरमाया पेपर मैशी दिन ब दिन ख़त्म हो रहा है। सदियों पहले शाह हमदान ने ईरान से इसको यहाँ पे लाया था, उसके बाद लगातार ये चलता रहा, लेकिन कुछ सालों से इस पर कम तवज्जो दी जा रही है और उसके बाद इनकी तादाद जो सरमायाकारों की तादाद है वो दिन ब दिन कम हो रही है और जो पेपर मैशी का आर्ट है इसको भी अब कोई नौजवान नहीं अपना रहा और कोई भी नया आर्टिस्ट जो इसके हवाले से नहीं निकल रहा है। जो इस वक्त मौजूद पेपर मैशी का काम करें उनका कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें कम तवज्जो दी जा रही है, जिसके बाद हमारा जो माल है वो बिकी नहीं रहा है और हमारी कोई पहचान नहीं है सोसाइटी में, जिसके बाद जो हमारा कारोबार है ये दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है। अगर हम देखें 700 साल से ये यहाँ पे चलता आ रहा है, लेकिन कुछ साल पहले गवर्नमेंट की कम तवज्जो की वजह से ये सरमाया जो है दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है। हिस्ट्री वो आज बहुत 30 वरी 40 वरी 50 वरी असली यह कार ये दस्तकारी छम शाही हमदान सबन योर तिंद बड़ा शुक्र गुजार कि इस मतलब कश्मीर आर्ट यह तिंद दीन मानान पेपर मशी मानान यह मानान यह मतलब सोनर कारा यह कदरदार कार अहमियत वारिया ज्याद गवर्नमेंट तो करान यह एक्सपोर्ट तो गान जर मबादल तो गान इंस्टिट्यूट वो रूद यूत हाल कि मतलब ये पे गवर्नमेंट कह एक्शन नवान शालन पे बाकी चीजन पे मगर पेपर मशी जन छी नन पेपर मशी हर कुन जाए रोजान थजरस तो वो मतलब कुन ताय अगर कहान शो खुशर तवान अलमारि मेट कन थान यह युद्ध शाही हमदान सब तिंद बड़े शुक्र गुजार कि मतलब तिमन मतलब तमो यह सनत योर कह सनत मगर यह पेपर मशी तीच कदर यह रोजान थजरस यह बन रोजान कह मगर नव जनरेशन रोज अस गमेंटस नौकरी मंगान कि अस गर बिहित नौकरी पेपर मशी वो झंड जान नौकरी अम झंड सिर्फ पन कार हेकान दह नफर पकन असान वह तरह तरह नफर कारगर अड बज मतलब तम हेचान तम पे पन यूनिट कर खड़ा मगर अस गई वह प्रॉब्लम ये मिसाजन अच्छा ये डिमांड कहीं वनकस मार्केट रुट न कहीं गोक नंबर गो ये टूरिस्टन हूँ यून ग बंद तो बेचे हिंदुस्तानी टूरिस्टान तम ज्यादा ये फॉरनर ज्यादा एक्सपोर्ट गाँव फाइनानस मतलब क्राइसिस बैंक गाँव अगर बैंक गो फाइनानस मदद करो क्या पन क्या खड़ा मगर फाइनानस अस पे गवर्नमेंट अप्लाई मतलब गो झान गारंटर वजह ये गवर्नमेंट कह अहमियत दिवान ये पेपर मशी खूस पेपर मशी यु कहें मतलब तवजो दिवान गवर्नमेंट कहें कि मतलब ये पेपर मशी जन छ वजूद तुम करू मतलब तुम वो कुन ताय शाल कलन वन डून हुद वन मगर पेपर मशी नाव जन यह सनत यह शाही हमदान सब अनम योर अलह रहमन मतलब यह अच्छन हज तार गालान ये छाप कह मशीन काम कह अत काम अत पस पानस मतलब यह कत हत दल कड़ान ये पेपर मशी ये पशिर मतलब सिटी ये पे ज्यादा बचान छत वोल कारगर पत कन वोल तो बचान तुम वो कत शोरूम से कूत माल पड़ा इतने पे अच्छा फाइनानस त मतलब गाँव कह गो झाँड गारंटर गवर्नमेंट मुलाजिम तम कत तम दिन यह गारंटर ये पे गन के सी सी लोन मतलब आर्टन लोन अह लट रिक्वेस्ट गवर्नमेंटस अच्छा वह ताकत सू भरनस अतो सू महरबानी कर माफ ये गाँव कैन मतलब हवा कड़ान कह कड़ान अहद दुश्मन कह तम सी बै मगर हवा कड़ान यकदम तम गमेंटस कर अप्लाई मे सा गो नुकसान अस नीत नुकसान अतो मुआवजा मगर अगर माल पड़ा अगर फाइनानस तुम इंट्रस्ट माफ ग ये गवर्नमेंट दिवान दिलचस्पिया कह आर्टिजन आर्टिजन मज पे कह दिलचस्पिया दी अस माली हेल्प करान कह करान करान कह यह वनान शाम बूज रेडियो पे बस वे अच्छा कह हेल्प कर कस्म कोविड जन गो सारे बै जन सठा पथ गई बचन हूँ फीस हूक नरत कह हूक नरत मगर गवर्नमेंट के तरफ नो हेल्प अवान वन मगर कह हेल्प नसान कुन ताय दिन कह आर्टिजन हाथ तस वो कह फायदा कहें यह बिल्कुल पसपुशी त्रोमुत यह वनान तो
باقی نہ اتن کہیں واتان ات کی ات گورمنٹ دی ہا ہیلپ کرا کی مارکیٹنگ مز دی ہا ہیلپ یہ سا دکان تم دہان یہ پن مال ویتنس یہ ہان کنت تو ام موجوب اچھا گورمنٹ دان یت مز سو دلچسپی کیس دن گھس لوگ بھی اب اس کو پسند نہیں کرے اگر ٹورسٹ سیزن میں اس کی ایک اچھی خاصی ڈیمانڈ بھی رہتی لیکن اس کے باوجود بھی آج کل جو نیشنل ٹورسٹ ہے وہ اس چیز پر توجہ نہیں دیتے خالی جو انٹرنیشنل ٹورسٹ ہے وہ اس چیز کو خرید رہے ہیں جو نیشنل ٹورسٹ ہے وہ اس کو نہیں خرید رہے ان کی وجہ سے جو ہے اس کا سرمایہ جو ہے ختم ہو رہا ہے اور اس کی ریٹ بھی اب نہیں آ رہی ہے اس کے بعد جو اس کے آرٹسٹ ہیں جو بنا رہے ان کو بھی کسی طرح کی فیسلٹی جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے نہیں دی جا رہی ہے یہ وجہ رہی کہ جو پیپر ماشی وہ دن بہ دن ختم ہوتا جا رہا ہے جو کہ صدیوں سالہ پرانا یہاں کا سرمایہ تھا کیمرامین خان دوسرے کے ساتھ میں فیصل یا سری نگر کشمیر چلیے اب آپ کو رخ کرا دیتے ہیں ڈوڈا کا اور ڈوڈا میں بھی دیکھیے رنگا رنگ کاریکرم کس طرح سے یہاں پر کیا گیا ہے کس وجہ سے یہ پورا کاریکرم یہاں پر رکھا گیا تھا وسیم رپورٹ کر رہے ہیں دیکھیے جو ہے انہوں نے یہاں پر آرگنائز کیا تھا اور ان کا چندی گڑھ میں ان کا ہیڈ آفس ہے اور بہت سارے بچے ان سے جو ہے مختلف قسم کی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں اور وہ آج یہاں پر ڈسٹرکٹ ڈوڈا میں ہمارے یہاں پر جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کی مدد کے ساتھ ان کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی مدد کے ساتھ یہاں کے جو بھی ہونہار پرنسپلز ہیں ان کو یہاں پر سمانت کیا گیا یہاں پر سوشل ورکرز کو سمانت کیا گیا اور خاص کر کے بچے جن کا ایجوکیشن کی سخت ضرورت ہے اور ان کو یہاں سے باہر افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ان کو اس بارے میں جانکاری دی گئی کہ سرکار کی طرف سے بہت سارے اسٹائفنڈ بہت سارے ایجوکیشنل ہیلپ دی جاتی ہے اور وہ ان کے مادھیم سے وہاں پہ جائیں اور اپنی ایجوکیشن حاصل کریں یہی آج کے پروگرام کا مدہ اور مقصد ہے سٹی ہال ڈوڈا میں ہے اور جس طرح سے بتاؤں کہ ایس ٹی سولجر گروپ آف انسٹیٹیوٹ ان کی طرف سے آج ایک پروگرام یہاں پہ رکھا گیا تھا میرے ٹھیک آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہاں پہ بچے اسکول کے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ چیف گیسٹ جو تھے وہ دھنندر سنگھ کوتوال جی تھے جو یہاں پہ ڈی ڈی سی چیئرمین ہیں وہ یہاں پہ تھے میرے ساتھ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں اس انسٹیٹیوٹ کے ان سے بات چیت کریں گے سر آپ کا ویلکم ہے تھوڑا سا جاننا چاہوں گا آج کے دن کے حوالے سے جو آج آپ نے پروگرام یہاں پہ رکھا گیا تھا حوصلہ افزائی سماج کے لیے جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں ان کے لیے آپ نے حوصلہ افزائی یہاں پہ رکھی تھی جو آپ سے جانکاری ہمیں ملی ہے تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتائیں کس طرح سے آپ کام کرتے ہیں سماج کے اندر اور آج جو آپ نے حوصلہ افزائی لوگوں کو کی کن کن لوگوں کی حوصلہ افزائی یہاں پہ کی جی میں سینٹ سولجر گروپ آف انسٹیٹیوشنز جو جلندھر میں ہیں اس میں ایز اے مینیجنگ ڈائریکٹر کام کر رہا ہوں اور اس کے چیئرمین شری انل چوپڑا جی ہیں اور وائس چیئرپرسن میڈم سنگیتا چوپڑا جی ہیں ہمارا ایک آبجیکٹیو ہے کہ ہمارا جو ایک لوگو بھی ہے وکٹری وتھ ڈٹرمینیشن اور جو سماج کے اندر جتنے بھی بچے ہیں جو پڑھائی کرنا چاہ رہے ہیں اور لیکن پھر بھی کسی کارن سے وہ پڑھائی نہیں کرتے ہیں جیسے ان کی فائنینشیل کیپیسٹی نہیں ہے تو ہم ان کی مدد کرتے ہیں اور خاص طور سے ہم نے جتنے بھی ہمارے اسکولز ہیں وہ رورل پنجاب کے اندر زیادہ ہیں کیونکہ ہم نے یہ محسوس کیا تھا کہ شہروں کے اربن کے اندر تو بہت سے اسکول کھل جاتے ہیں اور ان کو تعلیم مل جاتی ہے اور جو گاؤں کے اندر بچے ہیں ان کو بہت دور دور تک آنا پڑتا تھا کرنے کے لیے تو ہم نے وہاں پہ اپنے اسکولز کھولے اور بہت کامیابی ملی ہمارے کو اس کے اندر جو سب سے نمبر ون اسکولز ہمارے ہی ہوئے ہیں وہاں پہ جاننا چاہوں گا لگ بھگ کتنے اسکولز آپ کے ہیں اور کتنے کالجز ہیں ہمارے پاس اس وقت 34 اسکول ہیں 34 اسکولز ہیں اور 22 کالجز ہیں جس کے اندر ہمارے پاس 42,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہیں پورے انڈیا سے ہمارے پاس پڑھائی کر رہے ہیں اور پری نرسری سے لے کے ماسٹرز تک کے جتنے بھی پروگرامز ہیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں جس میں چاہے وہ انجینئرنگ ہو پالی ٹیکنک ہو ہوٹل مینجمنٹ ہو لا ہو فیشن ڈیزائننگ ہو میڈیا انٹرٹینمنٹ ہو فزیوتھراپی ہو نرسنگ ہو اور میڈیکل لائف سائنسز ہو فارمیسی ہو ٹیچر ایجوکیشن ہو اسپورٹس ایجوکیشن ہو اس طرح کے بہت سے ایسے کورسز ہم وہاں پہ کروا رہے ہیں تو کس طرح سے پیرنٹس وغیرہ خوش ہیں ان بچوں کو جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا آپ کے اسکولز میں کالجز میں پڑھ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا جب ہم 42,000 کہتے ہیں تو 42,000 اپنے آپ میں ہی ایک ایسا آنکڑا ہے جو بتاتا ہے کہ کس طرح کے پیرنٹس ہمارے سے خوش ہیں اور ہر سال یہ آنکڑا بڑھتا جا رہا ہے کرونا کے باوجود بھی ہم نے کافی آگے بڑھا ہے کافی ایڈمیشنز ہماری ہوئی ہیں اور بچے اور ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ خوش اس لیے بھی ہیں کیونکہ ہم ان کو پری نرسری میں ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ ماسٹرز ڈگری یا ہائر ایجوکیشن کر کے ہی نکلتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو روزگار بھی دیتے ہیں جب نوکری کرنا چاہتا ہے جو نوکری نہیں کرنا چاہتا ان کے لیے ہم نے اسپیشل جو ہے انکیوبیٹرز لگا رکھے ہیں آنٹرپرینرشپ کے جس کے اندر ان کو یہ اپنے سور روزگار جس کو کہتے ہیں ان کو بڑھاوا دینے کے لیے ان کو پریرت کیا جاتا ہے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی آپ کو خود تیار کر کے دوسروں کو نوکری دینے والے بنے نہ کہ خود نوکری ڈھونڈتے ہیں سمجھنا چاہوں گا اس ڈسٹرکٹ کے علاوہ کہاں کہاں پہ آپ جائیں گے اس طرح کا پروگرام کریں گے
मैं बताना चाहूँगा आपको, पिछले कोरोना से पहले हमने एक शुरुआत करी थी, तो हमने कुलगाम जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर हमने किया था। कुलगाम के अंदर वहाँ पे भी हमने 200 से ज़्यादा टीचर्स थे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के, और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, दो डिस्ट्रिक्ट को हमने कवर किया था। इसके बाद फिर हमने गुवाहाटी के अंदर ये प्रोग्राम किया था, गुवाहाटी में जहाँ पे वो नॉर्थ ईस्टर्न जो है स्टेट्स हैं वहाँ पे किया था। इसके बाद फिर हमने पालमपुर जो है हिमाचल प्रदेश में किया था, पंजाब में भी हम करते रहते हैं कि जिस जिस जगह पे है। थोड़ा सा हट के सवाल है, ड्रग्स के साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, समाज के खिलाफ कुछ लोग काम करते हैं, क्या उनके लिए भी कोई अवेयरनेस प्रोग्राम आप इस तरह का करते हैं? जी बिल्कुल करते रहते हैं हम। पंजाब के अंदर हमने जो डी ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं बहुत चलाते हैं, और वहाँ पे जो जलंधर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ हम मिलके बहुत से ऐसे कार्यक्रम, सेमिनार्स, और जिसको हम मार्च पास्ट कहते हैं, या फिर हमने जो एक यात्रा कह सकते हैं साइकिलथॉन, या इस तरह के काफ़ी हमने आयोजन किए हैं। और जितने भी गांव के अंदर सरपंचों को हमने बुला के, सरपंचों की मीटिंग बुला के उनको हमने इसलिए तैयार किया क्योंकि वो एक माँ बाप पहचान सकते हैं कि किस तरह से वो ड्रग्स लेता है, उसकी पहचान हो जाती है। लेकिन आमतौर पर जो गांव देहात में रहते हैं उनको शायद उसकी मालूमात नहीं रहती कि उसके अंदर क्या उसके सिम्टम्स होते हैं। तो हमने ये सिम्टम्स उनको बताने की कोशिश करी कि अगर ऐसे सिम्टम्स आपके बच्चे में आते हैं तो आप समझ जाइए कि वो ड्रग्स लेना शुरू कर रहा है या शुरू किया हुआ है उसने। तो इस तरह की हम जानकारी के कैंप्स जो है हमारे, जैसे फिजियोथेरेपी की तरफ से है या फार्मेसी हमारा जो कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, उसकी तरफ से हम ये रेगुलर कैंप्स जो हैं वो लगाते रहते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक मीनस है जिसको कह सकते हैं समाज को खाई जा रहा है और हमारी ये जनरेशन को खोखला करता जा रहा है। डोडा की आवाम को आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? डोडा की आवाम को मैं आपके माध्यम से ये देखना चाहूँगा कि सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ स्टेशंस यहाँ के बच्चों के तालीम देने के लिए तैयार है। अगर वो हायर एजुकेशन में आना चाहते हैं किसी भी तरीके से तो हम उनकी जो फाइनेंशियल मदद करेंगे उनके लिए, ख़ास तौर से डोडा के जो बच्चे हैं उनको हम स्कॉलरशिप्स ऑफर करेंगे, उनकी मदद करेंगे। इसके अलावा जो एससी एसटी के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए हमने जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी जो सरकार है उसके साथ हमने तआवुन किया है, और जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं एसटी के बच्चे हमारे पास वो आ सकते हैं और उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, उनकी फीस जो है वो सरकार की तरफ से ही आएगी, और जिसी तरह से ऐसी बच्चों की है। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं या दूसरे ओबीसी के बच्चे हैं उनको हम अपनी तरफ से स्कॉलरशिप देंगे, जो सरकार स्कॉलरशिप उनको दे रही है हम अपनी तरफ से उनको स्कॉलरशिप देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो मैनेजिंग डायरेक्टर हमसे बात कर रहे थे एसटी सोल्जर ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूट, उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हमसे बात कर रहे थे किस तरह से हम काम करते हैं समाज के अंदर, और समाज के लिए जो अच्छा काम करते हैं उनकी आज हौसला अफजाई यहाँ पे की गई, जिसमें अलग अलग स्कूल्स के बच्चे थे, अलग अलग स्कूल्स के टीचर थे, लेक्चरर्स थे। तो कहीं ना कहीं इनने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर भी हम किस तरह से काम कर रहे हैं, जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है उनकी मदद भी हम करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज सब लोगों के लिए हमने देखा कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इनको यहाँ पर दिया गया। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहे गुलिस्तान इज़ वसीम गुत्तू डोडा। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से रिपोर्टर हर जगह पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचने की कोशिश करते हैं और आम जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश होती है ताकि इस पर नजर गड़ाई जाए, संज्ञान लिया जाए और आम जनता को इसका फायदा पहुंच सके। आप देखते रहिए कार्यक्रम।